हैदराबाद सेंट्रल जेल के करीब कसीराबादी वाली गरीबाबाद कॉलोनी के गरीब मकीन भी इदारों की बदइंतजामी के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। कई दाइयों से सरकारी प्लाट पर जमा होने वाले कचरे ने पहाड़ का रूप धार लिया, जिसकी चोटी मकानत तक पहुंच गई है। पर कई शिकायतों और अर्जियों के बाद भी सिवाय दिलासों के कुछ ना मिला। बहुत से लोग इस इलाके के आए कि हमारा कचरा जो है ये साफ करवाएं आप। मैंने अपनी तरफ से एहतजाज किया, कोशिश की और वीडियोस बना के अपलोड की, फिक्सेट वालों से बात की, मेयर साहब जो हैं वो गए हुए हैं, उन्होंने बोला बाहर गए हुए हैं, और बहुत से लोगों से मैंने बात की तो किसी ने कोई भी इस पर ये नहीं हुआ कि कोई आके विजिट ही कर जाए, सिर्फ बोलते रहे कि हम आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस तरह से। आखिरकार सिटी न्यूज़ वालों से रब्ता किया कि हमारी रिपोर्ट बनाएं और इस इलाके के जो है सफाई करवा के, यहाँ पर इस इलाके में जो ये कचरा साफ करवा के, और चाह रहे हैं कि पार्क बन जाए। किस कदर तकलीफ में स्कूल है और कचरा आप देखें जो बीमारियां फैला रहा है और घरों तक जा रहा है ये कचरा। आवारा कुत्तों की भरमार और जलते हुए कचरे से उठने वाला ताफुन, जहाँ मकीनों का बचपन निकल गया, वहीं नई नस्ल और मुस्तकबिल के ममार एक देहात से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारा बचपना गुजर गया है इस कचरे को देखते हुए। काम करने के लिए कोई भी नहीं आता, वोट लेने के लिए सब कोई आते हैं इधर, हर कोई आता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्ट्रीट लाइट लगाई चले गए। बाकी जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम है ये तो दूर होता ही नहीं है, आज से नहीं, ये 50 साल हो गए हैं देखते हुए हम लोगों को। ये कचरा कुंडी थी और ये कचरा कुंडी है। दावा तो सब करते हैं कि ये हमारा प्लाट है, ये हमारा प्लाट है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिंगड़ा कर देंगे, लेकिन अपने वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद जो है गरीबाबाद जो है ये गरीबाबाद ही और गरीबाबाद ही रहेगा, और ये लावारिसों में ही है। अफसर बाला से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमें इस बीमारी से, इस गंद से छुटकारा दिलाया जाए। कोई भी इधर मैटरनिटी होम बना दो, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना दो, कोई पार्क बना दो, तो हमारा इससे जान छोड़ जाए, इस गन से हमारी जान छोड़ जाए। इलाके में कायम सरकारी स्कूल भी साईं सरकार की चशमपोशी की दास्तान बना हुआ है, जबकि 10 साल कबल कायम होने वाला फिल्टर प्लांट भी तबाहली का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इलाके से कचरा उठाकर कोई पार्क कायम किया जाए ताकि रिहायशियों को सेहतमंदाना सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन इरफान इफी के साथ अली अहमद शेख, सिटी न्यूज, हैदराबाद। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।